아지 비비스리 난 양슬레스 카지스 드네냐 안드네 Last fight. Hello guys, good morning and welcome back to our channel. तो आप मेरे हुलिया देख के बता सकते हो कि मैं जस्ट अभी उठी हूँ और मैंने ब्रश कर लिया है, मैंने फेस वॉश नहीं किया. तो अभी मैंने लंच और डिनर भी नहीं बनाया है क्योंकि बेबी ने बोला था कि आज लंच में हम मटन बनाएंगे, तो इसलिए बेबी मटन लेकर आ रहे हैं. जब बेबी आएंगे ना तब मैं मटन बनाऊंगी लंच के लिए, और डिनर जो है ना वो हम बाहर करने वाले हैं शायद, तो इसलिए अभी कंफर्म नहीं हुआ है. तो मैं अभी डिनर नहीं बनाऊंगी, जो कि दाल है हमारा रोज़ का डिनर, तो वो मैं अभी नहीं बनाऊंगी. और मैंने अपने लिए यहाँ पर गर्म पानी उबाल के रखा है क्योंकि मुझे अभी नहाना है और आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो मैं नहीं नहा पाऊँगी. तो इसलिए मैंने बेबी और हम दोनों के लिए गर्म पानी बनाया है. अभी इसको गर्म होने देते हैं, तब तक बेबी आ जाएंगे. तो मैं मटन को पहले कुकर में सीटी लगवाऊंगी, फिर उसके बाद ग्रेवी बनाऊंगी और नहाने भी जाऊंगी. तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. तो गाइस अभी लाइट भी आ गया है, जब से लाइट नहीं था तो मेरा बैटरी भी डाउन हो रहा है, तो अभी लाइट आ गया तो मैं अभी फ़ोन को चार्ज कर लेती हूँ, फिर जब बेबी आएंगे ना तब मैं आपसे मिलती हूँ. तो गाइस अभी टाइम वेस्ट ना किया जाए तो मैंने यहाँ पर प्याज को मिक्सर के अंदर डाल के एकदम प्योरी बना दिया है मटन के लिए, और मेरा पानी भी अभी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है. तो घर का टमाटर भी ख़त्म हो गया, तो मैंने बेबी को मैसेज किया कि टमाटर भी लेकर आप साथ में, तो अभी टमाटर आएंगे तो साथ में टमाटर भी प्योरी बनाऊंगी. तो अभी फ़ोन को चार्ज करती हूँ मैं, बैटरी नहीं है. तो गाइस देखिए बेबी आ गया और साथ में ये मैंने मटन का मसाला लेकर आओ बोला था, तो मटन का मसाला भी लेकर आया है. करें दी मैंने प्याज को प्योरी बनाया है मिक्सचर के अंदर डाल के, और साथ में बीबी ने एक टमाटर इतना सारा लेकर आया है, ढेर सारा, और प्याज टमाटर बार बार खत्म हो रहा था तो बीबी ने एक साथ बहुत ज्यादा ले गया आज. तो अभी मैं इसको हटवा के कुकर में सीटी लगाऊंगी पहले, फिर उसके बाद मैं करी बनाऊंगी ग्रेवी, ठीक है ना. तो शेफ मार दंगा दीपा की अंगा खंड क्यों रहे नाम देवी देश बगेट समझे तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर मटन को कुकर के अंदर दे दिया है, और यहाँ पर बीबी ने फिर से गर्म पानी बनाया है क्योंकि गर्म पानी कम पड़ रहा है तो इसलिए बीबी ने फिर से बनाया है यहाँ पर. और अभी ये सीटी कितना वक्त लगाना है, सीटी हो गया, तब तक मैं नहा लूंगी, छह सीटी लगवाएंगे. उसी बीच में नहाने जा रही हूँ अभी, पूरा सामान तैयार करके. बेबी ने मेरे लिए गर्म पानी भी बकेट के अंदर डाल दिया है, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ. ओके गाइस, तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है. तो अभी हमारा मटन भी पक गया है सीटी पूरा लगवा के, और बेबी ने बोला कि हमारा प्याज जो है ना वो थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो अभी मैं प्याज को फिर से चॉप कर रही हूँ, थोड़ा एक दो प्याज ऐड करूंगी और बनाते हैं आज के लंच. और अभी बेबी गए हैं नहाने. ओके गाइस, तो अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और लंच भी पूरा पैक्ड हो चुका है, तो अभी चलते हैं दुकान, बहुत कुछ सामान कैरी करना है मुझे. तो गाइस चलो लेट्स गो, लाइट ऑफ करते हैं. और देखो मेरा बेबी आज लेदर जैकेट पहन लिया, बहुत गुस्सा आ गया बेबी को. खरे लास्ट फाइट, खाले लास्ट फाइट,
कसा लास्ट फाइट लास्ट फाइट ल ना लास्ट फाइट ल ना के गोरेश लसे से लास्ट फाइट बोला पता नहीं क्या बोल रहे लास्ट फाइट ओ थू नम चंग सम थू थू अरे लास्ट फाइट लेना खा लो कमेंट्स ना ला लेंगे बीबी के ने खुई गोर में दो लास्ट फाइट मतलब क्या बोलते हैं कमेंट में लिखो बोला आपको पता चला तो मुझे तो नहीं पता चला लास्ट फाइट लिखो लास्ट फाइट डिवोर्स जो धूप कड़क है लेकिन मौसम तो ठंडा है ठंड लेट पड़ गया यहाँ पर दिसंबर में ठंड पड़ गया नवंबर में पड़ना चाहिए था दिसंबर में पड़ गया ठंड लेट्स गो ओह माय गॉड इतना धूप है बाप रे दीदी कहाँ जा रहे हैं पापा सर्विसिंग जा रहे हैं अभी बाइक सर्विसिंग करने जाता है खजिस मैगी निकले मिंदु शुदी शु अभी भैया दोनों ने लंच कर लिया है तो अभी उसके बाद हम करेंगे लंच शाह खाया है मटन शाम ने अंडा भुजी खाया है शाम मटन नहीं खाते हैं ये दो डिश हमारा मास्टर शेफ है मास्टर शेफ निमा ये छोड़ बाप रे दीदी मेरा वीडियो देख रहा है जी क्या क्या या आलिद क्या आलिद ब्रो क्या 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 या पूरा बोलते हैं हाँ सुन नाना क्या कर रहे हैं अभी सेल में भेजेगा बोलते पूरा क्या लाजल क्या हाल है जो जो रिश लंच टाइम सन्यू रिश लेते सब दिश हाँ दिस नल लूटें उनकी मराठी स्टाइल वा सब दिस मांग बोलो मराठी स्टाइल लेट सब मांग बोल दिस ओके गाइस तो अभी रात के 8 बज रही हैं और मैंने वीडियो एडिट कर लिया कल का वीडियो जो है ना वो मैंने एडिट कर लिया है तो कल सुबह मैं अपलोड करूँगी और 12 बजे अराउंड अपलोड कर दूँगी बस यही है मैं सोच रही हूँ अभी पानी पूरी खाने जाऊँ ओ पानी पूरी बंद हो गया यहाँ पर देखो लाइट ऑफ कर दिया अभी लाइट ऑन था मैं सोच रही थी कि पानी पूरी खाने चलते हैं लेकिन जस्ट अभी लाइट ऑफ कर दिया तो पानी पूरी भी अभी ख़त्म हो गया किस्मत में नहीं लिखा है मैं सोच रही थी कि पानी पूरी खाने जाऊं तो कोई बात नहीं अभी बिना खाए रहते हैं तो यहाँ अभी वॉक कर रही हूँ मैं बाहर दुकान के बाहर और मेरा बीबी यहाँ पर देखो बात कर रहे हैं फ़ोन पे अपने दोस्त के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं और मैं इधर उधर चल रही हूँ अभी क्योंकि दिन भर कुर्सी में बैठे बैठे बोर हो रहा था तो इसलिए अभी थोड़ा इधर उधर टहलते हैं और आज का डिनर जो है ना वो मैंने आपको सुबह बताया था कि हम बाहर खाने वाले हैं कल हमने लोहर वाले भैया को सोलर पैनल दिया था ना तो आज उनका दूसरा दिन है और कल रात ना वो लोग लाइट ऑन करके बैठे थे तो हम थोड़ा देर के लिए बात करने गए थे ऐसे ही तो वो लोग बहुत खुश हो गए और काफ़ी टाइम के बाद वो लोग लाइट के अंदर खाना खा रहे थे क्योंकि ना जब
सोलर पैनल नहीं था ना तब, उस टाइम में ना वो लोग अंधेरे में, रात को अंधेरे में खाना खा रहा था, तो कल है ना वो लाइट ऑन करके खाना खा रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज उन्होंने हम चारों को डिनर के लिए इनवाइट किया है, बीबी हम दोनों और भैया दोनों को हम चारों को डिनर के लिए इनवाइट किया। तो आज हमारा डिनर जो है वो वहाँ पर होएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो लोग क्या बनाया है। तो आज हमारा डिनर घर पे नहीं, इनके दुकान बोलूँ या घर बोलूँ जो भी बोलूँ वहाँ पर है, उनके साथ है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो लोग है ना हम मना कर रहे थे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खाना देने की ज़रूरत नहीं है, फालतू खर्चा है, कोई बात नहीं, ऐसा बोल रहा था। लेकिन वो लोग बहुत फोर्स कर रहे थे कि नहीं 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 आपने बहुत मदद किया, हम हमारे तरफ से इतना तो बनता है, प्लीज़ आ जाओ करके बोल रहा था। तो इसलिए चलो ठीक है बोला, फिर उनका भी दिल ना दुखाई जाए तो चलिए ठीक है बोला, आपका हाथ का खाना भी हम टेस्ट करेंगे बोला। हॉस्टल खाला नाश्ता चलेंगे दुकान अभी बंद नहीं किया हमने, और बेबी हम दोनों हॉस्टल में खाना खाने जा रहे थाली लेके लबड़ा ठेसा एंड चिरा हॉस्टल में खाना खाने जा रहे थाली लेके भैया दोनों ने खाना पैक करके लेकर आए हैं और वो दुकान में खाएंगे बोला था। तो बेबी हम दोनों अभी वहाँ पर जा रहे हैं डिनर करने के लिए और अपना थाली साथ में लेकर आज डिनर का ये मेहमान है, मेहमान बहुत जिद कर रहा है खाना खाने आओ, चिकन का पैसा मैं देगा बोलने से भी नहीं सुनते, एक बार खाना खिलाएगा बोलता हमको। अभी आ गया यहाँ पर डिनर करने के लिए और देखो लाइट भी चालू है, कल परसों ना यहाँ पर लाइट भी नहीं था, पूरा अंधेरा में खाता था, अभी देखो लाइट भी ऑन है, अभी खाना खाते हैं। आज हम तो मेजवान है, मेजवान बहुत अच्छा हाँ इधर बैठूंगा या अभी यहाँ पर खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा लगता है ये है चिकन दीदी ने बनाया है, टेस्टी लग रहा है अभी तो, और ये अभी तक नहीं सोया है अभी सोते सोते अच्छा सोते सोते उठ गया अभी खांसी हो गया, मौसम ठंड है ना। मेरा टेबल अब हमारे घर में जो भी है ये हमारा टेबल। और ये है इनका चूल्हा गरम गरम तो अभी खाना परोस रहे दीदी चिकन टेस्टी बना रहा है। आपका खाना हो गया? नहीं। अच्छा साथ में खाते हैं फिर। हाँ और ये लड़की खा लिया? थैंक यू, देखो लेग पीस भी डाल दिया भैया आ गया देखो अच्छा सा जुगाड़ वाला टेबल लगाता हूँ जुगाड़ वाला टेबल लगाता हूँ अभी आप भी बैठो इधर, आप खाओ ना साथ, ए, साथ में खाएगा, बैठो इधर बैठो साथ में खाएगा, साथ में खाएगा। अभी ये बेबी का खाना ठीक है
Give me the starch, is this Shumude? ये बराबर है ठीक है शुम दे शुम चाहे तो चिकन शुम सिश तो आ पहले शुम तो थैंक यू दीदी थैंक यू हाँ जी ये अगर अच्छा कड़क हो ये खाने का टेस्ट थोड़ा और अच्छा लगता है अच्छा इसको भाकर बोलते हैं भाकर में भाकर बोलते हैं राजस्थानी गद्दी इतना जाड़ा है देखो इतना भारी बारह क्या बोला नाम इसका भाकरी 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 अभी अम्मा चाय बना रहा चाय हमारा क्या सबके आखिरी में ही आता उसको कुछ सेकने में भी भाकरी अभी मेरे को एक बार थोड़ा टाइम दोस्तों तो जस्ट अभी हम घर में आए हैं और अभी रात के 11 बज रहे हैं तो हमने अभी डिनर कर लिया और डिनर बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था बहुत अच्छा चिकन बनाया था दीदी ने लेकिन थोड़ा मिर्ची ज्यादा था अभी भी हम दोनों को बहुत मिर्ची लग गए ना बाप रे मेरा तो मुंह पूरा जल गया था लेकिन खाना जो है ना बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया था रोटी भी था चावल भी था और चिकन फिर बाद में हमने चाय पिया फिर थोड़ा बातचीत करके अभी घर आए हैं तो खाना बहुत टेस्टी बनाया था थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा हमें बहुत टेस्टी था है ना बहुत मिर्ची था बहुत टेस्टी था पूरा पसीना पसीना बीबी का तो बहुत पसीना निकला चेहरा पूरा धोया जैसे निकल गया इतना पसीना टपक रहा था बीबी का लेकिन मेरा उतना पसीना नहीं निकला लेकिन मेरा मुंह बहुत जल गया था लेकिन चिकन जो है ना वो एकदम होटल की तरह बनाया था बहुत ज्यादा टेस्टी था तो हमने पेट भर के खाया तो थैंक यू दीदी और भैया बहुत अच्छा खाना था तो अभी आज का व्लॉग जो है यहीं पर ख़त्म कर लूँगी फिर बीबी हम दोनों अभी नहा धो के सो जाएंगे बहुत ज़्यादा थक गए और नींद भी आ रही है तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँगी एंड कल एक और नए व्लॉग के साथ मिलती हूँ तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड गुड नाइट बीबी गुड नाइट Good night. Good night. Bye.